जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम का कुनबा मजबूत होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में झाविमो के केंद्रीय कार्यालय डिबडी रांची में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झाविमो के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने आम जनता को छलने का काम किया है, इसी कारण जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश साफ देखा जा सकता है। उन्होंने पार्टी में योगदान करने वाले कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है और कहा कि अब वक्त बदलाव का है, राज्य की जनता हर हाल में रघुवर सरकार से मुक्ति चाहती है। हम सब लोगों के लिए खुशी का दिन है कि आज भाई अर्जुन मालिक जी अपने सहयोगी साथियों के साथ बोकारो से चलते हैं। पार्टी कार्यालय रांची यहाँ पर यहाँ में पार्टी में योगदान किया और सबसे पहले तो इनको अपने ओर से बधाई है। बहुत माइक नहीं आ रहा हटा। वैसे अर्जुन मालिक जी जमुई के रहने वाले हैं, ये अपने कारोबार बोकारो में भी करते हैं, झारखंड में भी करते हैं और आज इन्होंने पार्टी में योगदान किया है, क्योंकि पहले भी जब बोकारो जाते रहे। जेवीएम का दामन थामने वाले मोहम्मद आरजू मलिक ने मौके पर कहा कि बाबूलाल मरांडी के रोड मैप पर ही आगे की तमाम सरकारों ने काम किया, परंतु राज्य के विकास को जो गति पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल ने दी थी वह कोई और नहीं दे पाया। आज झारखंड को सिर्फ बाबूलाल मरांडी की जरूरत है। हमारे केंद्र अध्यक्ष मुझे बिहार का जिम्मा सौंप रहे हैं, मैं अपने पार्टी के लिए पूरे ताकत हल बल के साथ मैं वहाँ मेहनत करूंगा, हमारी सरकार झारखंड में भी बने और बिहार में भी हमारी सरकार रहे, इसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और अपने हर लोगों को एक दूसरे के प्रति जोड़कर चलेंगे। हर बार की तरह जेवीएम बिना शोर मचाए अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगा है। यही कारण है कि पार्टी के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी चुनाव की रणनीति बनाने में लग गए हैं। अब देखना है कि बाबूलाल मरांडी की रणनीति किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी छाप छोड़ पाती है। सबरंग समाचार के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट।